नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको CTET एग्जाम 2019 के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। और इसमें प्रश्न जो हैं उसी प्रकार के सिलेक्ट किए हैं जिस प्रकार से CTET और अन्य TET एग्जाम में जिन टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, उसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें सिलेक्ट किया है। तो चलिए और देखते हैं, और आपका जो परीक्षा की तैयारी जो है वो काफ़ी पूर्ण हो चुकी है और आप सभी ने तैयारी बहुत अच्छे से भी की होगी, उम्मीद करते हैं ऐसी हम। और इसी के साथ साथ यहाँ आपका एक कम समय में एक रिवीजन हो जाएगा इन प्रश्नों को देख करके, और कुछ प्रश्न आपके लिए नए भी इसमें शामिल होंगे। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारे जो क्वेश्चन है ये वन लाइन क्वेश्चन है, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों को देख पाएं, इसलिए इनको वन लाइनर क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। तो इस टॉपिक से CTET में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो गैस रहेगी हरित ग्रह प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान करती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो मेट्रोपॉलिटन नगर हैं वहाँ पर प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत जो होता है वो वहाँ जो स्वतः चलित तो वाहन होते हैं, तो वहाँ के वाहनों के कारण प्रदूषण का जो स्तर है वो हमेशा बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल दुर्घटना जो हुई थी उसके अंदर रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिसे संक्षेप में हम MIC भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है। और तेजाब वर्षा को हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। तो ये जो वर्षा होती है ये नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनके प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। जैसे कि SO2 जो होता है, जब हम सल्फर युक्त किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो SO2 जल के साथ में क्रिया करके H2SO3 और H2SO4 बना लेता है, तो उसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। चलिए अगला प्रश्न है, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। तो मनुष्य के अंदर तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग जो प्रदूषक पैदा करता है वो होता है शीशा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। तो कैडमियम जो है ये मनुष्य के अंदर रक्तदाब को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोगों को उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है। तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है वो जीवों के श्वसन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि जीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं और CO2 का त्याग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल को क्षति किस कारण से पहुंच रही है। तो ताजमहल को क्षति जो है ये पहुंच रही है मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले जो वायु प्रदूषक होते हैं इनके कारण से होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु क्यों हो जाती है। तो एक मनुष्य जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में रहता है तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। तो उसका कारण होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में संयुक्त हो जाती है, और जब हीमोग्लोबिन के साथ में संयुक्त हो जाती है तो वो हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन के साथ में संयोग नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से उस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, मिनामाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो 1965 के अंदर जापान में जो महामारी हुई थी मिनामाता महामारी जिसे कहा जाता है, तो वो किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो वहाँ उस पानी के अंदर जो पारा था, जिसे पारद भी कहते हैं, तो पारद या पारा कुछ भी हम कह सकते हैं, इसके कारण ये महामारी हुई थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जाँच की जाती है। तो उस जाँच को हम कहते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, से संक्षेप में BOD भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैगनी विकिरणों से क्या होता है। तो इस प्रकार के हानिकारक विकिरणों से त्वचा का जो कैंसर होता है ये होता है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। तो मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का प्रभाव जो है, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तो मैंग्रोव पादप जो होते हैं ये समुद्री मुहानों पर होते हैं, और वैश्विक तापन होगा तो जल स्तर बढ़ेगा, और इस प्रकार से ये विशाल क्षेत्र जो हैं ये जलमग्न हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो ये रहेगा हमारा जल विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो वसुंधरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था ब्राज़ील के अंदर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है। तो रेड डाटा बुक जो होती है ये जानकारी देती है जो जातियाँ संकटापन्न हैं, मतलब कि विलुप्त होने की स्थिति में, या जो जातियाँ खतरे में हैं, तो उनके बारे में जानकारी इसमें दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए खतरा है। तो जैव विविधता के लिए कौन सी चीज़ खतरा हो सकती है। तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती जो होती है, झूम खेती, ये जैव विविधता के लिए खतरा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो पारिस्थितिक असंतुलन का जो प्रमुख कारण है वो है वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन जो है ये इसका एक प्रमुख कारण है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक जो है वो हमारी गतिविधियाँ, जिसे हम मानव गतिविधियाँ कहते हैं, यही उसके लिए जिम्मेदार है, उसके संतुलन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो वैश्विक विरासत का वन जो है वो माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैगनी विकिरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। तो उस वर्णक को हम कहते हैं फाइकोसाइनिन। वर्णक होता है ये वनस्पति को परावैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों के अंदर, ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा जो है ये जाना जाता है गेंडा के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दो बार रिपीट हो गया है तो उसको अवॉइड करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर तत्वों का जो चक्रण होता है उसे हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ये वन कटाई का था, और बहुत ही सरल प्रश्न है और लगभग सभी इसका उत्तर भी जानते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा होता है, तो इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं जो भी उत्पाद, तो उन्हें इको मार्क दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं इकोटोन, उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप, उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो वो रहेगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होना एक प्रभावी कारक यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 50 से अधिक देशों के द्वारा संबंधित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो ये समझौता जो था ये हुआ था मार्च 21 को 1994 को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र है या शत्रु है। तो ये जो पौधा होता है यूकेलिप्टस, जिसे हम सामान्यतः अपने क्षेत्र में लिप्टस भी कह देते हैं, तो ये जो पौधा होता है जिसे नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है, नीलगिरी का पौधा भी कुछ क्षेत्र में उसे ये भी कहते हैं। तो ये जो पौधा होता है इसे शत्रु यहाँ पर कहने का जो कारण है वो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि
ये जो पौधा होता है इसकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है, और जब ये ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है तो ये काफ़ी गहराई से भी पानी को खींच सकता है। तो ये पौधा जहाँ पर होता है उसके आसपास के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जल स्तर काफ़ी निम्न हो जाता है, तो उस वजह से इस पौधे को शत्रु कहा जाता है। तो इस पौधे को इस वजह से शत्रु कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वन जो होते हैं ये सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो वो नहीं होती है सौर ऊर्जा के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन जो रहेगा ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हमारा, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक जो रहेगा वो रहेगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको ओजोन परत जो होती है वो अवशोषित कर लेती है और हमारी सुरक्षा करती है। कौन सा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? तो वो क्षेत्र हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जिसे हम संक्षेप में FRI भी कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन हरित गैस है या नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ये हरित ग्रह गैस नहीं होती है, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तांबा जल प्रदूषक है अथवा नहीं है? तो ये नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ये की थी जोसेफ फोरियर ने ये संकल्पना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। तो काफ़ी सरल प्रश्न है और सभी इसका उत्तर जानते भी हैं, पर पर्यावरण का टॉपिक है तो हमारा प्रश्न ये जरूर बनता ही बनता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण में किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो वही BOD जो होती है जिसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन कौन से हैं? तो ये सूचक जो होते हैं लाइकेन और मॉस के जो पौधे होते हैं ये प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक होते हैं जो प्रदूषण की सूचना संकेत के रूप में देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी होती है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने की जो इकाई होती है उसे कहा जाता है डाब्सन। अगला प्रश्न है हमारा, पराध्वनिक जेट किसकी परत को पतला करके प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं ओजोन परत को पतला करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैडमियम प्रदूषण से संबंधित है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा करके पूछा जा सकता है, इटाई इटाई जो है ये किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण से संबंधित ये इटाई इटाई शब्द है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न लिखा है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई इटाई। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए शरीर के लिए मरम्मत का कार्य करता है, और इसी की मात्रा से इसी की उपस्थिति शरीर में नए नए कोशिकाओं ऊतकों आदि का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन को मुख्यतः क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन कहाँ उपस्थित रहता है? तो ये प्रोटीन जो होता है ये त्वचा के अंदर उपस्थित रहता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन जो होता है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो सोयाबीन जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न हमारा है, ऊँट बिना पानी के भी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, कैसे रहता है? काफ़ी लंबे समय तक ये बिना पानी पिए मरुस्थल में जीवित रह सकता है, तो उसकी वजह होती है कि ऊँट जो होता है उसकी पीठ पर जो कूबड़ होती है उसमें वसा जमा होती है, और वह वसा का प्रयोग करके तो अपने कूबड़ में जमा की गई वसा, तो यहाँ पर वसा का प्रयोग करके वो जीवित रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ये शब्द जो है फंक ने दिया है, विटामिन का आविष्कार भी फंक ने किया है, इस प्रकार से भी प्रश्न हमारा हो सकता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है ये हमारे विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? ये प्रश्न सीटेट और अन्य टीटी एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो विटामिन जो होता है जिसमें कोबाल्ट धातु मौजूद होती है, तो उस विटामिन को हम कहते हैं विटामिन B12, और इसी विटामिन को हम कोबलामिन भी कहते हैं, साइनोकोबलामिन भी कहा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा है, साइनोकोबलामिन क्या है? तो साइनोकोबलामिन से समझ जाना, कोबाल्ट धातु जिसके अंदर होती है उसी को हम साइनोकोबलामिन कहते हैं, और वो हमारा होता है विटामिन B12। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो मसूड़ों से रक्त आना मतलब पायरिया की समस्या होती है, और ये होती है विटामिन सी की कमी की वजह से, तो यहाँ पर विटामिन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं, और प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये प्रश्न हमने इसलिए सिलेक्ट किए थे कि आपका एक बार रिविज़न हो जाए जो चीज़ें पढ़ी हैं, और कुछ हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके लिए नए भी हो जो आपने नहीं पढ़ पाए हों, तो इसलिए हमने इन वन लाइनर क्वेश्चन को आज सिलेक्ट किया था। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं प्रश्न आपको कैसे लगे, और वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही अगले।